हाय फ्रेंड्स मैं गीता वर्मा गीता किन्नो डॉट कॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे उसके साथ ही आपको एक बेल आइकन नजर आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन बेल ऑन हो जाए और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आइए वीडियो शुरू करते हैं आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच वाली हरी चटनी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है जब हम घर में आमतौर पर चटनी बनाते हैं तो वैसी नहीं बनती है और वैसा सैंडविच भी नहीं बनता है जैसे कि मार्केट में मिलता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो लोग डालते हैं जिससे कि उनकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो आइए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है करीब 100 ग्राम हरा धनिया और इसकी डंडिया में नहीं फेंकनी है डंडिया भी इस्तेमाल करेंगे इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है आठ से दस लहसुन की कलियाँ ली हैं और दो हरी मिर्च ली है आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते तो हरी मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं तो हम इसे पीस लेते हैं यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है जिसके अंदर मैं ये हरा धनिया ऐड कर दूंगी डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं फेंकनी आपको डंडियों में बहुत अच्छा धनिया का टेस्ट होता है तो डंडियाँ बिल्कुल भी ना फेंकें उसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लें और यहाँ पर मैं हरी मिर्च ऐड करी हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़ देंगे इस तरह से और इसकी क्वान्टिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं अगर तीखा पसंद कर दें और आठ से दस लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे और अदरक ऐड कर देंगे अब मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ वो क्या ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ये भुजिया ये बेसन की भुजिया है आलू भुजिया नहीं लेनी आपको तो बेसन की भुजिया ऐड करेंगे जिससे कि जो हमारी चटनी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो मैं यहाँ पर ये दस रुपये का पैकेट है पूरा पैकेट नहीं ऐड कर रही हूँ सिर्फ आधा पैकेट ऐड करूँगी तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप भुनी हुई चना दाल ले सकते हैं या फिर रायते वाली बूंदी डाल सकते हैं इसकी जगह तो उससे भी सेम टेस्ट आने वाला है अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें हल्का सा पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका तो बहुत ज्यादा पानी ना ऐड करें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो यहाँ मैं एक से दो चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर और इसे मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी तो मैंने चटनी को पीस लिया है अच्छे से बारीक पेस्ट कर लिया और आप चटनी का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है वैसे जब हम आमतौर पर चटनी बनाते हैं तो वो डार्क ग्रीन कलर की होती है ये इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट आया है और लास्ट में इसमें मैं ऐड करूँगी नींबू का रस जिससे कि इस चटनी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इस चटनी को आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में और इसका कलर भी नहीं चेंज होगा जब भी हम चटनी बनाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं तो वो अगले दिन काली पड़ जाती है पर जब हम इस तरह से नींबू इसके अंदर ऐड कर देंगे तो ये चटनी आपकी बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी टेस्टी बनेगी एक तो और आप ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर कर पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया ये चटनी हमारी रेडी हो गई है आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी गाढ़ी ये चटनी तैयार हुई है जब भी हम वैसे नॉर्मली चटनी बनाते हैं ग्रीन चटनी तो पानी अलग हो जाता है और जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं पर ये आप चटनी देख सकते हैं कितनी थिक और कितनी बढ़िया बनी है तो यहाँ पे मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है और आप चटनी का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है यह इसी तरीके से वो लोग चटनी बनाते हैं तभी जो उनके सैंडविच होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं जब भी हम घर पे सैंडविच बनाते हैं वो बात नहीं आ पाती है जो मार्केट वाली आती है तो अगर आप इस चटनी से सैंडविच बनाएंगे तो आपकी जो सैंडविच है बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी बनने वाले हैं बिल्कुल मार्केट जैसे तो आप इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और आप इसे खाने के साथ भी ले सकते हैं रोटी के साथ पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खा सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा